दर्शकों, मैं दिव्या खोबरे और आप देख रहे हैं जेटीवी भारत। आइए रुक करते आज के मुख्य समाचारों की ओर। पवई से महज 7 किलोमीटर दूर ग्राम जगदीशपुर में विद्यालय के पास किसान भगवान सिंह निवासी जगदीशपुर की फसल कटकर रखी हुई है। मही से विद्युत विभाग के तार लाइन गुजरी हुई है। वही विभाग के द्वारा कई वर्षों से विभाग के कर्मचारियों की लापरवाही के चलते तारों की मरम्मत नहीं की गई है, जिस कारण से तार हवा चलने पार्टी आपस में टकराते रहते हैं, जिसके कारण आज फॉल्ट बना और अचानक खलिहान में आग लग गई। ग्रामीणों की जागरूकता एवं सूझबूझ के चलते आग पर काबू पाया। आपको बता दें कि वहीं पास में ग्रामीणों की फसल भी काट करके खलिहान में रखी फसल जलकर नष्ट हो गई। पब्लिक ऐप के द्वारा खबर के माध्यम से मामला विगत दिनों प्रकाश में भी लाया गया था, परंतु कुंभकर्ण की नींद सो रहे अधिकारियों पर नहीं हुआ कोई असर, जिसके कारण आज फसल जलकर नष्ट हो गई। वही विभाग के कनिष्ठ अभियंता शुक्ला जी का कहना है कि हमारे संज्ञान में इस प्रकार की कोई भी तार लूज होने की जानकारी नहीं आई। लाइट वालों को सूचना दी थी आप? 3 दिन पहले दी थी। अच्छा, 3 दिन पहले भी आग लग गई? लाइट वालों ने कोई सुनाई? लाइट वाले आए तत्काल, थोड़ी बहुत करके उसके बाद में 3 दिन हो गए आई नहीं।